मेहंदी के बेशुमार फ़ायदे हैं। मेहंदी खा भी सकते हैं। मेहंदी का खिसांदा और जुशांदा दूध में डालकर भी पी सकते हैं और पानी में डालकर भी पी सकते हैं। मेहंदी का शरबत भी बना सकते हैं। यरकान के अमराज के लिए इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, जिसकी तिली बढ़ जाए। कैंसर के अमराज में हाथ पांव की जलन के लिए, बैरूनी और अंदरूनी दर्दों के लिए, जिनको जलन हो बैरूनी तौर पर और जो जल गए हों, कट गए हों, उन पर मेहंदी का लेप किया जाता है। मेहंदी का रस आँखों में भी डाल सकते हैं। अमराज चश्म के लिए मेहंदी का दूध बनाकर पिया जाए तो ये इतलाम, जरियान और ख़वातीन के लिकोरिया के लिए बहुत ही मुफीद है। मगर मेहंदी के पत्ते डालने हैं, मेहंदी का सफ़ूफ इस्तेमाल नहीं करना। और बाज़ार की जो मेहंदी है ये गैर मुफीद है, ये ज़्यादा मुफीद नहीं है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह फरमा रहे हैं, मा मिन शजरतिन अहब्बू इलल्लाहि मिनल हिनाई औ कमा कालन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नज़दीक दरख्तों में से सबसे प्यारा मेहंदी का पौधा है। सुभान अल्लाह। मेहंदी खून को साफ करती है, ख़तरनाक मर्ज कोहड़ और स्किन के अमराज के लिए भी मेहंदी का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। उल्टी लाने के लिए बहुत मुफीद है। बलगम को जिस्म से खारिज करती है, खून को साफ करने के लिए, खारिज को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको खारिज है तो मेहंदी का खिसांदा या जुशांदा इस्तेमाल कीजिए। अरके मेहंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इखज़बू बिलहिनाई फ़इन्नहु यज़ीदु फ़ी शिबाबिकुम व जिमालिकुम व निकाहिकुम। मेहंदी का खसाब लगाओ, ये हुस्न में इजाफा करती है, जवानी को बढ़ाती है, बाह में इजाफा करती है, निकाहों में इजाफा करती है, निकाहों को खूबसूरत बनाती है। औ कमा कालन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिलहिनाई फ़इन्नहु नूरु रऊसकुम व युतहिर कुलूबकुम व यज़ीदु फिल जिमाई व हुवा शाहिदुन फिल कब्र। तुम्हारे पास मेहंदी मौजूद है, ये तुम्हारे सरों को पुरनूर बनाती है, तुम्हारे दिलों को पाक करती है, कुवत बाह में इजाफा करती है और कब्र में तुम्हारी गवाह होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औ कमा कालन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।